हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ गाइस। आज का वीडियो होने वाला है एकदम मस्त, क्योंकि 4000 वाली चीज मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ 4 रुपए में। यस, तो उसके लिए मैंने निकाल लिया है अपनी पुरानी साड़ी की निकाली हुई लेस का खजाना, और मैं आपको बताने वाली हूँ ये वाला बैग जो कि ट्रायंगल शेप में पोटली बैग है। बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है आजकल, और इसमें अलग अलग कलर भी अवेलेबल है। और इसमें जो गोल्डन कलर था ना, वो तो पूरे 4000 का मैंने देखा था, लेकिन ये वाला सिल्वर कलर है जो कि 3146 रुपीज का है। तो अगर इसकी मिनिमम प्राइस की बात करें ना, मैंने कम प्राइस वाले भी ऑनलाइन देखे थे, तो वो 1300 1500 अराउंड थे, और मैक्सिमम प्राइस 4000 की थी। तो भले ही हम इतना महंगे ना खरीदें, लेकिन 1000 रुपए से ज्यादा वाला भी क्यों खरीदना भाई, जब फ्री में होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए के खर्च में ये वाला बैग बहुत इजी तरीके से कोई भी बस चुटकी बजा के बना सकता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हमें लेना है कपड़ा। तो मैंने एक पुरानी सलवार का कपड़ा ले लिया है, आप कोई भी कपड़ा नया या पुराना यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये कपड़े के 2 पीस कट कर लिए हैं, और इसका मेज़रमेंट है 12 बाई 8 इंच। तो आपको इसी साइज़ का लेना है कपड़ा, और फिर आपको लेनी है इस तरीके की लेस। तो मेरे पास ये इस तरीके की एक लेस पड़ी है जो कि ब्लैक कलर का बैग था उसमें मैच करती है। तो इस लेस को हम इस तरीके से एक पीस के ऊपर अटैच करेंगे, फिर यहाँ से इसे कट करके दूसरी लाइन को इसके ऊपर इस तरीके से रख कर यहाँ पर भी हम अटैच कर लेंगे। लेकिन इस लेस के ऊपर मशीन नहीं चलेगी, तो ये हमें हाथ से टाँके लगाकर अटैच करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके की लेस लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इस तरीके की लेस यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप एकदम सेम टू सेम बनाना चाहते हैं, तो जो मैंने पहली वाली लेस दिखाई उसी का इस्तेमाल आपको करना है। अदरवाइज़ आप इस तरीके की लेस आपके पास पड़ी है तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब इस लेस की साइड में जो भी पतली लेस थी उसे मैंने खोल के निकाल दिया है, और इस तरीके से हम कपड़े के ऊपर लेस को रखेंगे। एक्स्ट्रा जो भी है उसे कट करके निकाल देना है। फिर से हम यहाँ पर इस लेस को देखिए फोल्ड करके इस लेस के ऊपर रखेंगे, और यहाँ पर हम सीधा अटैच करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 लाइन टिकी की नहीं चाहिए, तो इस तरीके से देखिए एक लाइन में टिकी की भी अंदर की तरफ जाने दूंगी, और यहाँ पर हम इस तरीके से इस लेस को जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देंगे। इसी तरीके से पूरी लाइन बनाते हुए हम पूरे में लेस को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। एक लेस के ऊपर दूसरी लेस को फोल्ड करके रखना है, और इस तरीके से एकदम मस्त फिनिशिंग के साथ ही से हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अटैच कर लिया है, साइड से जो भी एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब हमें अस्तर के लिए और एक कपड़ा लेना है, और जो रेडी पीस था उसी के साइज़ का फोम लेना है। अब सबसे पहले हम रेडी पीस को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर के कपड़े को उल्टा रखना है, और उसके ऊपर हम रखेंगे फोम को इस तरीके से अच्छे से सेट करके, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी सिलाई करके इसे हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब इस तरीके से हम इसे टर्न करेंगे, सेकंड साइड पर पलटेंगे तो फोम हमारा बीच में आ जाएगा, और यहाँ ऊपर हमें एक प्रेस स्टिच कर लेनी है। तो सेम इसी तरीके से दूसरे पीस को भी रेडी करना है हमें, और यहाँ पर साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है, तो उसके लिए देखिए मैं 2 इंच पर यहाँ पर एक साइड से मार्क करूँगी। जो नीचे वाली साइड है वहाँ पर हमें मार्क करना है, दूसरी साइड से भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, और इस तरीके का एक बॉक्स बनाएंगे, और इसे हमें कट कर लेना है। अब देखिए इसी पीस का इस्तेमाल करके हम सेकंड साइड से भी कट कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर की साइड से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है, और इस तरीके से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, अब इसे कट कर देना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे कट कर लिया है। अब जो दूसरा पीस था उसके ऊपर इस पीस को हम रखकर उसे भी सेम टू सेम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से अस्तर वाले पीस को अलग कर लेंगे। दोनों पीस में इसी तरीके से करना है, और मेन फैब्रिक के साथ हमें फोम को रखना है इस तरीके से। अब इसे एक के ऊपर एक रख कर हम सेट कर लेंगे। यहाँ नीचे की साइड हमें सिलाई करनी है, और फिर यहाँ दोनों साइड पर भी सिलाई करनी है। ऊपर की साइड हमें यहाँ पूरे में सिलाई नहीं करनी है, बस दोनों साइड सिलाई करनी है, बीच में थोड़ा सा ओपन छोड़ना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर साइड में सिलाई कर ली है, नीचे भी कर लिया और ऊपर थोड़ा सा ओपन छोड़ा है। अब इसके कॉर्नर को हम इस तरीके से पकड़ेंगे, फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें सीधी सिलाई करनी है। सेम इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर पर भी हम सेम तरीके से सिलाई कर लेंगे और अस्तर वाले कपड़े में भी दोनों कॉर्नर को इसी तरीके से पकड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने सभी जगह पर सिलाई कर ली है। अब इस तरीके से हमने जो जगह छोड़ी थी वहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे, अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं। उसके बाद जो हमने ओपन जगह छोड़ी थी अस्तर वाले कपड़े में, उसे हमें अंदर की तरफ कपड़े को पुश करना है जो रफ एजेस है उसे, और फिर यहाँ पर हम सीधे सिलाई कर लेंगे। अब इसे हमें अंदर की तरफ जाने देना है। तो ये रेडी है। अब मैंने ली है एक और स्ट्रिप 15 इंच की लेस की लेनी है और इसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए और सीधी सिलाई कर लेंगे। अब इसे किसी भी टूल्स की हेल्प से आपको सीधा कर लेना है। तो ये देखिए ये मैंने लेस को सीधी कर ली है। अब हमें और इस तरीके की पतली सी साड़ी की या फिर ब्लाउज पीस के कपड़े की स्ट्रिप लेनी है। ये मैंने डबल ले ली है जो स्ट्रिप है उसके हिसाब से, और फिर यहाँ पर हम सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करके इस तरीके से इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो बहुत ही ईजिली ये ऐड हो जाती है और आपका जो हैंडल है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा बन जाएगा, एकदम फ्लफी रेडीमेड स्टाइल बन जाएगा। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। अब जो हमारा रेडी पीस था उसे लेना है और उसकी सिलाई को इस तरीके से सेंटर में रखेंगे और साइड पर हम सेंटर निकालेंगे। तो दोनों साइड पर हमें सेंटर निकालना है, वहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। अब हैंडल को हमें यही सेंटर पर इस तरीके से फिक्स करना है और यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके ही रखेंगे और यहाँ पर हमें मेज़र करना है और जितना भी हो रहा है उतने साइज़ की हमें ज़िप लेनी है। तो ये मैंने ज़िप ले ली है, इसमें रनर भी ऐड कर दिया है। अब देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर ज़िप को रखना है, जो राइट साइड है ज़िप की वो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ रखनी है और फिर यहाँ पर सिलाई करनी है। हैंडल के सेंटर में ही हम ज़िप को रखेंगे और दोनों साइड पर पहले इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए एक साइड पर हो गई। अब इस तरीके से यहाँ पर मैं पकड़ते हुए दूसरी साइड पर भी सिलाई करके इसे अटैच कर दूँगी। आपको कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको अटैच करके भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड पर ज़िप को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर भी हम ज़िप को इस तरीके से जो बैग का कपड़ा है उसे पकड़ते हुए अटैच कर लेंगे। एक साइड अटैच हो गया, उसके बाद हमें ज़िप को खोल देना है और फिर यहाँ पर पकड़ते हुए दूसरी साइड पर भी हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी ज़िप अटैच हो गई है। अब इस तरीके से इसे हमें फोल्ड करना है। अब यहाँ पर हमें एक मैग्नेट बटन अटैच करना है। आपके पास मैग्नेट बटन नहीं है तो आप वेलग्रो का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे पीस लेने हैं। मैग्नेट बटन को देखिए इसकी पीछे वाली क्लिप का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी और यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है और इस तरीके से इसके अंदर मैं इसे फंसा लूँगी। इसकी क्लिप को मैं बाहर की तरफ फोल्ड नहीं करूँगी और इस तरीके से अंदर की तरफ ही फोल्ड करके यहाँ पर सेट कर लूँगी। तो ये एक हिस्सा मैंने यहाँ अटैच कर लिया। इसी तरीके से दूसरा हिस्सा सामने की साइड फिक्स कर लेंगे और ये हमारा ब्यूटीफुल पोटली बैग बनकर रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरा 4000 वाला बैग बनकर रेडी हुआ है सिर्फ 4 रुपये में, जो कि मुझे ज़िप, रनर और जो मैग्नेट बटन है उसका ही खर्च लगा है। अगर आप सेम टू सेम बनाना चाहे तो सेम टू सेम लेस आपको लेनी होगी, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 रुपये से ज़्यादा आपको खर्च नहीं होने वाला है। तो है ना एकदम आसान तरीका, आप अपने सभी ड्रेस की मैचिंग इस तरीके के बैग बना सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।